यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बाराबंकी के श्रीराम वन कुटीर में चल रहे स्वास्थ्य शिविर पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर चल रहा है। एक साल से स्कूल बंद चल रहे हैं और अब उनके खुलने का समय आ गया है। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं वो अपने घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं। वैक्सीन का काम समय आने पर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने शिविर के आयोजन की प्रशंसा भी की। शिविर तो बहुत पहले से चल रहा है, पर मेरी शादी जब से 83 में हुई है तब से मैं यही हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देख रेख करती हैं? क्या आश्रम को मतलब सारी देखभाल रहती है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब ये सब पूरा साल काम चलता रहता है। क्या बनना है क्या नहीं बनना है मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब पूरा सारा दूसरा ही बता सकता है। क्या मैनेजमेंट आप ही के हाथ है? ये सरकार का काम है। एक तो वैक्सीनेशन लगाने का जो सरकार का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा हमारा निर्धारित हुआ है, पूरे देश के लिए एक ही समान हो है। तो वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 50+ जो असाध्य रोग से पीड़ित है उनका नाम भी फीड होने के बाद यहाँ तक सरकार का कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने आगे के गाइडलाइन या आगे के मार्गदर्शन नहीं दिया है कि आगे वाला वैक्सीन जो आम जनता को लगाना है वो कैसे लगाया जाएगा और ओपन मार्केट में दिया जाएगा, किस दाम पे लगाया जाएगा, इसका कोई